बात का आगाज़ कुछ यूं करते हैं जैसे सफ़र का आगाज़। बिस्मिल्लाह के बाद सलाम और दुआ की अपील है। बात कुछ यूं है, काफ़ी देर फ्री रहने और सोचने के बाद सर में तो दर्द शुरू हुआ सो हुआ, लेकिन तहकीक मुकम्मल हुई। तहकीक कुछ यूं मुकम्मल हुई कि काफ़ी दिनों से ईद के चांद की पेशन गोइयाँ की जा रही थी। कभी चांद की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कभी कुछ और कभी कुछ। हम अपनी तहकीक आपकी नज़र कुछ यूं करते हैं। मोरखा 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात 29 रमज़ान, ईद का चांद नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। हम अपने 30 रोज़े पूरी हिम्मत और जोश और जज्बे के साथ पूरे करेंगे। ईद मोरखा 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। ईद की नमाज का इंतज़ाम बड़े वसी पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में किया जाएगा, जिसमें आपकी शिरकत बेहद ज़रूरी है। अगर आप हमारी तहकीक के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। शुरू से लास्ट तक जो कैलेंडर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने अपनी तहकीक इस कैलेंडर से शेयर की है, जो हम पिछले काफ़ी सालों से इसे फॉलो करते आ रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेट साबित हुआ है।